श्री श्याम ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन में मैं गौरी शंकर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 बहुपद का 3.3 पार्ट में वो समीकरणों के अभाज्य गुणनखंड विधि से हल। तो गुणनखंड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मैथ में, इसको बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x की स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 करना है। गुणनखंड विधि से समीकरण हल करो। तो गुणनखंड में करना क्या है कि बीच वाले पद यानी 5x के दो ऐसे पार्ट करने हैं कि जिनका जोड़ तो आए माइनस का 5x और गुणा आए पहले और आखिरी पद के गुणा के बराबर, यानी 2x की स्क्वायर इंटू 3 बराबर 6x की स्क्वायर। गुणा करने पर तो आना चाहिए 6x की स्क्वायर, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 5x। इस माइनस 5x के दो पार्ट इस प्रकार के बनाने अपने को कि जोड़ने पर तो माइनस का 5x आए और गुणा करने पर 6x की स्क्वायर आए। तो देखें कि माइनस के 3x और माइनस के 2x यदि हम जोड़ें तो माइनस के 5x बनेंगे, और यदि हम गुणा करें, गुणा करके ऊपर लिख लें जोड़ नीचे लिख लें, तो यदि हम इनको गुणा करें तो माइनस माइनस का गुणा प्लस बनता है, 2 को 3 से गुणा करें 6 बनता है, x को x से गुणा करें x स्क्वायर बनता है। यानी बीच वाले माइनस 5x के दो पार्ट जिनका जोड़ तो माइनस 5x आए गुणा प्लस 6x की स्क्वायर आए, ऐसे दो पार्ट हो गए माइनस का 3x और माइनस का 2x। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि टुकड़े क्या क्या लें, हम किस प्रकार से लें। तो देखिए, टुकड़े करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम टुकड़ों का पता लगा सकते हैं। जैसे जो जोड़ लेके आना है उसी से शुरू करते हैं। माइनस 5 जोड़ लाना है आपको, तो माइनस 5 और 0 इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा, गुणा ऊपर लिख दें जोड़ नीचे लिख दें, 0 को माइनस 5 से गुणा करने पर 0 आएगी, फिर आगे माइनस का 4 इसमें माइनस का 1 लिखेंगे तब जोड़ माइनस 5 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 एकन 4 आएगा, फिर आगे माइनस के 3 और माइनस के 2 करोगे तो माइनस 5 बनेगा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो प्लस 6 बनेगा। यानी जोड़ माइनस 5 और गुणा प्लस 6, यही तो अपने को जरूरत थी। जोड़ माइनस 5 होना चाहिए, गुणा 2 × 3 = 6 प्लस का होना चाहिए। अब x और x की स्क्वायर, जो यहाँ x है इसके पास x की स्क्वायर बनता है, तो इन दोनों के पास यदि हम x लगाएं तो इसका तो बन जाएगा 5x और गुणा करने पर 6x की स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से हम टुकड़े देख सकते हैं। हमें पता है कि गुणा में प्लस लाना है और जोड़ में माइनस लाना है, तो स्पष्ट पता है कि दोनों संख्याएं माइनस की होनी चाहिए, क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस बनेगा और जोड़ में माइनस 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 रहेगा। इसलिए हम ध्यान रख सकते हैं कि टुकड़े दोनों माइनस के लें, दोनों प्लस के लें, या एक प्लस का और एक माइनस का लें, उसके हिसाब से यहाँ पर हम संख्याओं को लिख सकते हैं। अब यदि हमें ये संख्या या माइनस की हो जाती, मैं संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि संख्याएं सेटिंग हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, सिर्फ निशान के बारे में समझा रहा हूँ कि यदि ये माइनस यहाँ पे निशान होता तो ये माइनस होता, फिर समझा रही है बात, तो फिर ये माइनस होता। तो माइनस लाने के लिए पता है कि माइनस तभी आएगा जब एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी, तो यहाँ पर फिर हम प्लस करते तो फिर ये माइनस का यहाँ पर 1x बचता, तो फिर यहाँ 5 नहीं होता, फिर यहाँ माइनस x होता, तो फिर हमारे लिए ये संख्या उपयुक्त रहती। अब जोड़ने पर तो देखिए माइनस और प्लस का जोड़ तो होगा नहीं, घटाव होगा, माइनस x बचेगा,
लेकिन गुणा करें तो प्लस माइनस, देखिए माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ के निशान देख करके हम टुकड़ों के निशान बदल सकते हैं कि किस प्रकार से आएंगे, उसका अंदाज़ा हमें लगा सकते हैं। जबकि हमारे पास तो यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस का 5 था, तो फिर हमने यहाँ दोनों माइनस के लिए, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस बन जाएगा और माइनस माइनस जोड़ में माइनस बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके द्वारा हम टुकड़ों का पता लगा सकते हैं, यदि हमें पता नहीं चले तो। ज़्यादातर तो क्या है, प्रैक्टिस करने पर ज़्यादातर हम गुणनखंड बार बार निकालते हैं तो ये संख्याएं हमें सीधे ही पता चलने लग जाती हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए है। जब स्टार्टिंग करते हैं गुणनखंडों में तो टुकड़ों का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर अब हम गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करेंगे। तो देखिएगा, 2x की स्क्वायर, एक टुकड़ा था हमारा माइनस का 3x, दूसरा टुकड़ा था हमारा माइनस का 2x और ये प्लस का 3। ये संख्या सेम ली है हमने, ये संख्या भी सेम ली है, इसको दो भागों में विभाजित करके लिया है। विभाजित इस प्रकार से किया है कि जोड़ ये आए और गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आए। तो 3 और 2 माइनस के 5 बनते हैं जोड़, गुणा बनता है 3 × 2 = 6, जो इनका भी 6 बनता है। अब दो दो के जोड़े बना करके कॉमन लेना होता है गुणनखंड करते समय। इन दोनों में देखिए एक्स का भाग जा रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, भाग में आपको पता है पावर का घटाव होता है, एक्स की पावर 2 में ये जो कॉमन लिया है, इस एक्स का भाग यदि हम लगाएं तो 2 का 2 आएगा। इसके पास एक्स की 2 है, इसके पास 1 है, तो एक्स की 1 आएगी। 1 को कभी लगाया नहीं जाता, तो इसलिए सीधा लिखा जाएगा 2x। अब फिर से प्लस एक्स का भाग माइनस 3x में देना है, माइनस 3x में प्लस एक्स का भाग देना है, प्लस में माइनस का भाग दें तो माइनस आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा। यानी जब इस x का भाग माइनस 3x में देंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पर जो निशान होता है वो गुणनखंड में कॉमन लिया ही जाता है, पहले भी बताया है, पीछे गुणनखंड से शून्यांक बताए थे तब भी। अब फिर से देख सकते हो यहाँ पे जो निशान होगा उसी निशान को लिया जाएगा। दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है वो देखना है, तो देखिए 2 और 3 में किसी का भाग नहीं जा रहा, एक्स भी दोनों साइड में है नहीं इसलिए एक्स का भाग भी नहीं जा रहा। तो किसी भी संख्या का भाग जब नहीं जाए तो 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। 1 एक ऐसी संख्या होती है जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता है। तो 1 का भाग यदि हम 2x में देंगे तो 2x ही आ जाएगा, माइनस का भाग प्लस में लगाएंगे तो माइनस आएगा, और 1 का भाग यदि हम 3 में दें तो 3 ही आ जाएगा, बराबर 0 है ही। आगे का स्टेप ये होगा कि इसमें है और इसमें, पूरे में देखिए 2x-3 इसमें भी है, 2x-3 इसमें भी है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 2x-3। यहाँ से देखिए फिर x बचेगा, जब इसका भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये x बचेगा। यहाँ से जब भाग लगाएं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, बराबर हो जाएगी 0। अब x के मान ज्ञात करने हैं, क्योंकि समीकरण को हल करना है तो x के मान निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 2x-3 बराबर 0 लिखें, तो 2x बराबर, ये 3 यहाँ प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो निशान बदलेगा। जब ये लेफ्ट एंड से राइट एंड में जाएगा तो यहाँ माइनस का 3 था, इधर प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालना है तो जो x के साथ गुणा में 2 है वो इधर भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 3/2। आगे देखें हम, x-1 बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके उत्तर आ गए x के मान 1/3। तो उत्तर लिख सकते हो आप, x बराबर 1/3 है और दूसरा मान 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी को कम समझ में आया है टुकड़े करना या कॉमन लेना तो आगे वाले क्वेश्चनों में फिर से ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है 9x² - 3x + 2। 9x² - 3x - 2 और बराबर 0। यहाँ पर देखें तो देखिए इन दोनों का गुणा बनता है, 9 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, माइनस के 18। बीच वाले टुकड़े के दो पार्ट हमें करने हैं, ऐसे पार्ट हमें लेने हैं कि जिनका गुणा तो आना चाहिए माइनस का 18
और जोड़ आना चाहिए माइनस का तीन। तो देखें माइनस तीन से ही शुरू करते हैं, माइनस तीन और जीरो गुणा ऊपर लिख लेंगे और जोड़ नीचे लिख लेंगे। जोड़ करने पर माइनस तीन लाना है, तो पता है माइनस तीन में जीरो जोड़ने पर माइनस तीन आ जाएगा, लेकिन इनका गुणा देखें तो जीरो आता है। फिर आगे चलें हम, माइनस के चार और प्लस का एक, अब यदि इनका जोड़ करें तो जुड़ेंगे नहीं, घटाव होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का तीन चार, माइनस का तीन और गुणा आएगा माइनस का चार। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता चलेगा कि हम चार की तरफ बड़ी संख्या की तरफ जाएं या छोटी संख्या की तरफ जाएं। तो ये जो निशान है इनको देख करके पता चलता है कि यहाँ माइनस का लेके आना है, तो एक संख्या माइनस की होनी चाहिए और एक संख्या प्लस की होनी चाहिए। तो एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होगी तो सीधी सी बात है कि ये संख्या बढ़ती जाएगी, तभी तो माइनस का नीचे बचेगा और प्लस माइनस का गुणा होने पर ही माइनस आएगा। यदि दोनों माइनस कर देंगे तो फिर ये आएगा नहीं माइनस का, हमें लाना है माइनस का दो। तो एक संख्या माइनस की होगी, एक प्लस की होगी, ये तो कन्फर्म है। और यदि इसको कम करते चले जाएंगे हम तो फिर माइनस के तीन आएंगे नहीं, क्योंकि एक संख्या माइनस की तो नीचे वाली लेंगे नहीं। यदि हम माइनस दो ले लेते तो फिर माइनस तीन के लिए माइनस एक लेना पड़ता। अगर माइनस एक यदि हम यहाँ पे लेते तो माइनस तीन तो आ जाते, लेकिन ऊपर वाला निशान किस में बदल जाता, प्लस में बदल जाता, गुणा वाला निशान जो कि हमें चाहिए किस में, माइनस में। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संख्या किस ओर जाएगी, बड़े की ओर जाएगी या छोटे की ओर जाएगी। तो अभी भी हमें चाहिए माइनस दो जो आया नहीं है, माइनस का चार आ गया है। आगे माइनस के पांच और प्लस के दो, माइनस के तीन आ गए हैं, प्लस माइनस माइनस, पांच दुनी आ गए हैं दस। फिर आगे माइनस के छह और प्लस के तीन, जोड़ने पर तो आ जाएगा माइनस का तीन और गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस के अठारह। जो हमें गुणा करने पर तो चाहिए थे माइनस के अठारह, क्योंकि इन दोनों का गुणा माइनस अठारह बन रहा है, और जोड़ने पर देखिए माइनस का तीन। तो दोनों का पालन यहाँ पे हो रहा है, तो ये दोनों संख्याएं हम ले लेंगे। इनके साथ में जो बीच वाले पद के साथ जो चर पद होता है वही लगता है, छः के साथ भी एक्स लग जाएगा और तीन के साथ भी एक्स लग जाएगा, जिसके हम टुकड़े करते हैं वही चर पद इसके साथ लगता है। नो एक्स की स्क्वेयर माइनस के छः एक्स प्लस के तीन एक्स माइनस के दो बराबर जीरो, यानी इसके दो पार्ट हो गए ये, बाकी ये पार्ट सेम आया है और ये पार्ट सेम आया है। अब देखिए दो दो के जोड़े बनाकर हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में हम देखते हैं तो देखिए नौ में और छः में तीन का भाग जा रहा है, तो एक तो तीन कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर में एक्स में एक्स का भाग जा रहा है इसलिए एक्स कॉमन आ जाएगा। अब पहला तीन एक्स जो है इसका भाग नौ एक्स की स्क्वेयर में दें, तीन का भाग नौ में देंगे तो तीन आएगा, एक्स की स्क्वेयर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स आएगा, इसलिए पहला बहुपद हो गया हमारा, पहला पद आ गया तीन एक्स। फिर आगे तीन एक्स का भाग माइनस छः एक्स में देंगे, क्योंकि जो कॉमन लिया जाएगा जितने पदों में से कॉमन लिया जाएगा उसमें भाग लगाया जाता है, ये मैथ का नियम है। कोई भी क्वेश्चन हो जब हम कॉमन लेते हैं तो जितने पदों में से हम कॉमन ले रहे हैं उनमें भाग देना होता है। तो ये प्लस का है, प्लस का माइनस में भाग देंगे तो माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तीन का भाग छः में देंगे तो दो, यानी दूसरा पद आ गया हमारा माइनस का दो। आया कैसे उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले इसमें भाग देंगे तब तो ये तीन एक्स आएगा, जब इसमें भाग देंगे तो ये माइनस का दो आएगा। भाग दे करके यहाँ दिखाया आपको कि नौ एक्स की स्क्वेयर में तीन एक्स का भाग देने पर तीन एक्स आ रहा है, और यहाँ पर भाग दे करके दिखाया आपको कि माइनस के छः एक्स में प्लस तीन एक्स का भाग देने पर माइनस का दो आ रहा है। इसी प्रकार हम आगे जो दो पद हैं उनमें से भी कॉमन लेंगे। कॉमन ले तो देखिए यहाँ प्लस का निशान है तो हम प्लस कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है इसलिए एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, हम एक को कॉमन ले लेंगे। एक का भाग तीन एक्स में देंगे तो तीन एक्स आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा भाग देने पर, एक का भाग दो में देंगे तो दो आ जाएगा और बराबर जीरो आ जाएगी। अब देखिए एक टुकड़ा तो इनमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, जो सेम है तीन एक्स माइनस दो
जब इसके अंदर कॉमन वाले का भाग लगाएंगे तब तो 3x बचेगा, इसके अंदर जब कॉमन वाले पद का भाग लगाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगी। अब हमें उत्तर निकालने हैं तो 3x माइनस 2 बराबर 0 लिख देंगे, 3x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि जब निशान बदलेगा इधर जाएगा तो लेफ्ट एंड वाली संख्या जो राइट एंड में जाएगी तो निशान बदल जाएगा, माइनस का 2 था प्लस का हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो जो 3 गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, यानी एक मान तो आ गया 2/3। और दूसरे में देखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, 3x बराबर ये 1 यहाँ प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, x देखेंगे तो माइनस का 1 ये 3 जो गुणा में है ये 3 इसके भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे उत्तर आ गए 2/3 और माइनस का 1/3, ये x के मान हैं और समीकरण का हल इस प्रकार से हो जाएगा गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3x की स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में 7√3 इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों का गुणा यदि हम करें तो √3 गुणा में 7√3, पता ही है √3 को √3 से गुणा करने पर 3 बनता है, तो 7 × 3 = 21। जब हम √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 बनेगा, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि √3 × 3 एक साथ भी, जोड़े में से एक बाहर लिया जाता है वर्गमूल निकलेगा तो 3 बन जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो √3 को √3 से गुणा करें तो √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। ये वर्गमूल का निशान होता है रूट, वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े में से एक लिया जाता है 3, या 9 के टुकड़े करें तो 3 × 3 और फिर वर्गमूल 3, किसी भी प्रकार से आप इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसका बन गया √3 को √3 से गुणा करने पर 3 बन गया, गुणा में 7 आ गया, 7 को 3 से गुणा करने पर 21 आ गया, यानी कि √3 को 7√3 से गुणा करने पर 21 बन गया। अब हमारे पास आगे सोचने वाली बात यह है कि 10x के दो पार्ट करने हैं जिनका जोड़ तो आना चाहिए 10 और गुणा आना चाहिए 21। तो वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि 7 और 3 को जोड़ने पर 10 बन गया और 7 को 3 से गुणा करने पर 21 बन गया। जो बच्चे गुणनखंड जिनको थोड़े बहुत पहले से आते हैं उनको तो ऐसे डायरेक्ट पता चल जाता है संख्याओं का, लेकिन जो स्टडी में थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिनको मैथ थोड़ा कम आता है, जो पहली बार गुणनखंड देख रहे हैं, या तो उनको ऐसे इतने आसानी के साथ टुकड़े नहीं मिलते हैं, उनको ऐसे देखना पड़ता है कि गुणा करने पर जो संख्या ऊपर लिख देंगे और जोड़ करने पर संख्या नीचे लिखेंगे, लिखते जाएंगे, हमें लाना है 10 तो 10 और 0 को जोड़ने पर 10 आएगा जो प्लस का लाना है। फिर आगे देखेंगे हम 10 के बाद 9 और 1 को जोड़ने पर इसका गुणा 0 आता है, इसका जोड़ 10 आता है लेकिन गुणा 9 आता है। ये गुणा करने पर ले रहा हूँ, ये जोड़ने पर ले रहा हूँ, दोनों बार हमें लाना क्या है, गुणा करने पर तो लाना है हमें 21 और जोड़ने पर हमें लाना है 10। तो हमारा जोड़ने पर तो हर बार हम 10 लेके आ रहे हैं, ऐसी संख्याएं लिख रहे हैं, लेकिन गुणा करने पर जहां 21 आएगी वहां पर हमारे उपयुक्त टुकड़े होंगे। 9 के बाद हम चलेंगे 8 और 2, जोड़ने पर तो 10 आ रहा है लेकिन गुणा करने पर 16 आ रहा है। आगे फिर 8 के बाद 7 और 3, जिनका जोड़ 10 आ रहा है और गुणा 7 की 21 आ रहा है। तो ये हमारे दोनों उपयुक्त टुकड़े हैं कि जिनका जोड़ तो 10 आ रहा है प्लस का और गुणा प्लस का 21 आ रहा है। इसलिए √3x की स्क्वायर प्लस में 7x या 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। अब दो दो के टुकड़े बना करके, दो दो के जोड़े बना करके उनमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लें तो आपको पता होना चाहिए कि 3 के यदि हम गुणनखंड करें तो √3 × √3 होता है। अभी आपने पढ़ा था कि √3 को √3 से गुणा करने पर 3 बनता है, इसका मतलब 3 के टुकड़े √3 × √3 होते हैं।
इसका मतलब यह है कि रूट तीन का भाग जो है वो तीन में जाता है, तो यहां से मैं रूट तीन कॉमन ले लूंगा, एक दोनों में एक्स का भाग जा रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, भाग लगाना है रूट तीन एक्स की स्क्वेयर में, तो रूट तीन एक्स की स्क्वेयर के अंदर जो कॉमन लिया है उसका भाग दें रूट तीन एक्स का, रूट तीन से रूट तीन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की स्क्वेयर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा। अब दूसरे में जब भाग लगाएंगे तो तीन एक्स के अंदर भाग देना है रूट तीन एक्स का, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तीन के टुकड़े आपको बताए थे मैंने कि रूट तीन गुणा रूट तीन होते हैं, बटे में क्या आ जाएगा रूट तीन आ जाएगा, रूट तीन से रूट तीन कैंसिल, बचेगा क्या रूट तीन बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की हैं दोनों संख्याएं, प्लस में प्लस का भाग देंगे तो प्लस ही आएगा। अब देखिए यहां पर निशान प्लस है तो प्लस का निशान कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में देखिए सात का भाग जा रहा है, सात को कॉमन निकाल देंगे बाहर, सात से सात कैंसिल होकर के एक्स आ जाएगा भाग देने पर, प्लस आगे सात का भाग यहां पे लगाएंगे, सात से सात कैंसिल, क्या बच जाएगा रूट तीन बराबर क्या आ जाएगी जीरो। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लें तो दोनों में एक्स प्लस रूट तीन है जिसका भाग जा रहा है, एक्स प्लस रूट तीन को बाहर निकाल देंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर जब इसमें भाग देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट तीन एक्स प्लस, जब इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस रूट तीन, बचेगा क्या सात बराबर आ जाएगी जीरो। अब देखिए बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को जीरो के बराबर लिखेंगे, एक्स प्लस रूट तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर ये रूट तीन यहां प्लस का है, पक्षांतरण होगा तो माइनस का हो जाएगा, रूट तीन एक्स प्लस सात बराबर जीरो, रूट तीन एक्स बराबर इस सात का पक्षांतरण करें तो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स का मान निकालना है तो माइनस सात, ये रूट तीन इसके गुणा में है इसके भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स की स्क्वेयर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह, एक्स की स्क्वेयर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह बराबर जीरो, तीन नंबर ये प्रश्नावली चल रही है अपनी, 3.3 क्लास है टेंथ, क्वेश्चन नंबर चल रहा है अपना दो। तो देखेंगे इसके टुकड़े करने हैं दो, जोड़ने पर माइनस के आठ आने चाहिए और गुणा करने पर इसके आगे एक माना जाता है, एक का गुणा सोलह से करें तो सोलह, यानी गुणा करने पर तो सोलह चाहिए और जोड़ने पर माइनस के आठ चाहिए, तो माइनस आठ से ही शुरू करते हैं, गुणा ऊपर लिख देंगे गुणा करके और जोड़ करके नीचे लिख देंगे, माइनस आठ और जीरो, जोड़ने पर माइनस आठ आएगा लेकिन गुणा करने पर जीरो आएगी। फिर ये तो पता ही है कि गुणा प्लस में चाहिए तो दोनों टुकड़े माइनस के आने चाहिए, दोनों टुकड़े माइनस के आएंगे तो फिर माइनस सात और माइनस एक का जोड़ माइनस आठ बनता है, तो फिर ये कम की ओर जाएगी संख्या छोटे की ओर, माइनस माइनस का गुणा करें तो प्लस बन जाएगा, सात एकन सात हो जाएगा। आगे माइनस के छः माइनस के दो करें तो माइनस आठ आता है, गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और छः दुनी बारह। आगे चलें तो फिर माइनस का पाँच और माइनस का तीन, जोड़ने पर माइनस आठ होगा लेकिन गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस, तीन पाँच पंद्रह होगा। आगे देखें तो माइनस का चार और माइनस का चार जोड़ने पर माइनस के आठ बनेंगे, जोड़ने पर माइनस माइनस गुणा में प्लस, ये सोलह बनेंगे, तो हमारे उपयुक्त टुकड़े हुए माइनस चार और माइनस चार। तो यहाँ पर हमने टुकड़ों का पता लगा लिया, अब इसके गुणनखंड करेंगे, एक्स की स्क्वेयर ये माइनस चार एक्स और माइनस चार एक्स, इसको दो भागों में विभाजित कर लिया है, दोनों का जोड़ माइनस आठ एक्स आ रहा है, दोनों का गुणा माइनस माइनस प्लस, चार चौके सोलह एक्स की स्क्वेयर आ रहा है जो इनका बनता है, प्लस में सोलह पहला पार्ट और आखिरी पार्ट सेम ले लिए, बीच वाले के दो टुकड़े कर दिए। अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे, इन दोनों में एक्स का भाग जा रहा है, एक्स कॉमन,
एक्स की स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स माइनस में एक्स से एक्स कट चार आ जाएगा। यहाँ से देखें माइनस का निशान है, ये कॉमन ले लेंगे, दोनों में चार का भाग जा रहा है, चार कॉमन आ जाएगा, चार का भाग चार एक्स में देंगे, चार से चार कट जाएगा, एक्स बचेगा, माइनस चार का भाग प्लस सोलह में देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चार का भाग सोलह में देंगे तो चार आ जाएगा, बराबर जीरो हमारी चली रही है। अब देखें एक तो आ जाएगा एक्स माइनस चार और कॉमन आ जाएगा दोनों में से, दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस चार क्योंकि यहाँ से एक्स बच जाएगा, यहाँ से माइनस चार बच जाएगा, जब इसका भाग लगाएं इसमें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स बचेगा, जब भाग लगाएं इसका इसमें तो ये बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का चार बचेगा, बराबर आ जाएगी जीरो। अब जीरो के बराबर लिख करके उत्तर निकालें तो माइनस चार के बराबर जीरो लिख दें, एक्स बराबर जब पक्षांतरण करेंगे तो निशान बदलते ही हैं, माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी चार, यहाँ पर देखें एक्स माइनस चार बराबर जीरो हो जाएगी, एक्स बराबर करें तो ये माइनस के चार इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, उत्तर आ गया एक्स बराबर चार और चार। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसका मैं आपको थोड़ा विवरण दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दूसरे तरीके से आसान हो जाते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में दूसरा तरीका लगा सकते हैं हम, ये देखिएगा गुणनखंडों के अंदर। दूसरा तरीका ये है कि हमें देखना होता है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या यदि पूर्ण वर्ग हों, पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके जिनका, यानी किसी भी संख्या की स्क्वायर के बराबर हों, जैसे कि ये x है ये तो स्क्वायर के बराबर है ही, x की स्क्वायर है ही, ये 16 है ये 4 की स्क्वायर के बराबर है, 4 की स्क्वायर 16 होती है। पहला पद और आखिरी पद यदि कोई संख्याओं की स्क्वायर बनते हों या पूर्ण वर्ग कह सकते हो आप, पूर्ण वर्ग हों, तो उनके ऊपर आप इस प्रकार से उस सवाल को कर सकते हैं कि पहले मैं एक्स की होल स्क्वायर कर दें, यहाँ पर 4 की होल स्क्वायर कर दें क्योंकि 16 4 की स्क्वायर होता है, और बीच में क्या होगा कि हम एक बार तो पहला टुकड़ा लिख दें, फिर आखिरी टुकड़ा लिख दें, लास्ट वाला निशान प्लस लगाएं और बीच वाले पद को 2 से गुणा कर दें, ये 4 × 8x बन जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले पे अपने को क्वेश्चन को ले आते हैं हम, एक्स की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर आते ही क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहला पद लिया जाएगा, यहाँ पर जो निशान है वो निशान लिया जाएगा, यहाँ से अंतिम पद लिया जाएगा, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ से x ले लेंगे, यहाँ से माइनस का निशान, यहाँ से 4 और इसकी होल स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगी 0। ये मैं पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ से इधर से जैसे ही स्क्वायर हटेगी इधर से वर्गमूल निकलेगा, यानी x माइनस 4 का मान यदि आपको निकालना है तो रूट लग जाएगा 0 पर, और वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस में निकलता है। तो x माइनस 4, 0 का वर्गमूल 0 होता है, प्लस माइनस x बराबर लेंगे तो ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, प्लस माइनस आगे 0 हो जाएगी, x बराबर 0 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, 0 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, यानी वही उत्तर इस प्रकार से भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि पहली और अंतिम संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में